किस्मत का खेल। आई होप मैंने तुम्हें कन्विंस कर लिया है कि कोई तुम्हें ट्रांसफर नहीं करने वाला था। तुम्हें याद हो तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था तुम्हें एक अच्छी जिंदगी वापस दूंगा। हाँ, तुम थीसिस जो लिख रहे हो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना, मतलब मैं तुम्हारी लैब रैट हूँ। तुम कोई लैब रैट नहीं हो, हाँ बल्कि तुम हो एक जंगली बिल्ली। हम वापस नहीं जा सकते जब तक कि मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता। तुम कौन से रास्ते की बात कर रही हो? दिमित्री मिखाइलोविच, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी शादी होने वाली नहीं, है। मेरी कोई फियांसे नहीं है। और बच्चा भी नहीं है? बच्चा तो है, I mean, होने वाला है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, पर मैं इनेसा से शादी नहीं कर सकता। हाँ, मर्दों के लॉजिक औरतों के लॉजिक से बहुत अलग होते हैं। शायद वो मुझे ब्लेम करे, पर मैं उससे प्यार नहीं करता। और एक बच्चे को ऐसी फैमिली नहीं चाहिए जो बस लीगल पेपर्स पर ही हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं पता। असल में क्या हुआ था, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं तुम दोनों को सबसे प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? नींद पूरी हो गई बेटा? अंदर आओ। वासिलिसा, जल्दी आओ। ये तुम्हारा कॉटेज है? नहीं, मेरे एक पुराने दोस्त का है, वो विदेश में काम करता है। उसने मुझे इसकी देखभाल करने को कहा है। अभी के लिए हम हीटर ऑन कर देते हैं और फिर आसपास घूम कर आते हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल वापस चला जाऊंगा। और हमारा क्या? तुम लोग रेस्ट करो, आज के लिए खाना रखा है, मैं शाम को और खाना लेकर आऊंगा, अभी से बेहतर। क्या मतलब है भाग गई? वो लीजा ने अपनी रूममेट से झूठ कहा, अपना ट्रांसफर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में करा लिया और फिर अपनी बच्ची को लेकर के भाग गई यहाँ से। डॉक्टर दिमित्री एक मिनट आएंगे यहाँ पर, ये लीजा के डॉक्टर हैं और यही शायद आपकी हेल्प कर पाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं हूँ आंद्रे व्लादिमिरोविच। हेलो, मैं यहाँ लीजा और वासिलिसा कालिनिना को ढूंढने आया हूँ। मैंने सुना है आपको कुछ पता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। आप इतने बेफिक्र कैसे हैं? उन्होंने कहा लीजा एक्सीडेंट के बाद एमएनएसी खो गई है। उसे पार्शियल एमनीशिया था, पर सुबह जब उसका हस्बैंड उससे मिलने आया तो उसकी याददाश्त वापस आ गई। स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, शायद यही रीज़न है वो चली गई। क्या वो उसके साथ भाग गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता, उनके बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है अगर उसे कुछ हो गया तो? देखिए, उसका डॉक्टर होने के नाते मैंने अपना बेस्ट किया है, पर अगर कोई पेशेंट अपनी मर्जी से भाग जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या आपको और कुछ पूछना है? मुझे पेशेंट को देखने जाना है। मेरे पास कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। हेलो हेलो, मेरा नाम ओलिया है और आप जिस औरत को और उसकी बच्ची को ढूंढ रहे हैं मैं उसकी रूममेट हूँ। वो एक एमनीजियक है। क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ बिल्कुल पता है, उनका हमारे डॉक्टर के साथ स्पेशल रिलेशन था। मैं ऐसी चीजें नोट कर लेती हूँ, समझ रहे ना क्या कह रही हूँ? समझता हूँ, थैंक यू। क्या वो मिली? वो हमारे पहुँचने से पहले यहाँ से भाग चुकी थी। और बेटी? वो दोनों हॉस्पिटल से साथ ही भागी, हम उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की। शिट, ओके, उन दोनों को ढूंढने के लिए जो बन पड़े वो करो। समझ गए। मैंने सिर्फ मुद्दे की बात बताई है, मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए बताया था कि तुम समझ सको कि इस औरत को ढूंढना जरूरी थी। क्या तुम्हारे पास दिमित्री कोलोस्निको का पीछा करने के लिए कोई आदमी अवेलेबल है या नहीं है? मुझे लगता है उसे पता है कि लीजा कहाँ है। इनफॉर्मली करना ही होगा। थैंक यू। तुम इसे हॉस्पिटल में ही छोड़ आई थी, ये खेलने ही वाली है। मुझे लगा अगर तुम इसे ना देख पाओ तो बहुत बुरा होगा। इसके लिए थैंक यू, ये फूल मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
हमें समारा से एक कॉल आया है। वो कह रहे थे कि जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गई है और हाल ही में उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। ये एक सॉलिड लीड है। क्या मतलब हाल ही में? क्या बकवास कर रहे हो? आज उसे होश आया और वो तभी वहां से भाग गई। देखा, यही बात तुम्हें प्रूव करने की जरूरत थी। अब देखना। तो ठीक है, तैयार हो जाओ, हम कल सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे। मैं सही समय पर हॉस्पिटल में था। वहां मुझे एक डिटेक्टिव मिला। कौन सा डिटेक्टिव? वो तुम्हारे केस का इंचार्ज है। उसके पास तुम दोनों की फोटो है। तुमने उन्हें क्या बताया? चिंता मत करो, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो कोज़ोवलेव। कौन? कोज़ोवलेव? आंद्रे व्लादिमिरोविच। हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? थैंक गॉड। वो डिटेक्टिव नहीं है, मेरे पापा के लॉयर हैं। दिमित्री, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेलो ल्यूदा, पता नहीं क्यों ये प्रेगनेंसी वाला आइडिया भी काम नहीं कर रहा। कॉलिसनिकोव मुझसे दूर ही भाग रहा है। तो तुमने उसे ढंग से कन्विंस नहीं किया होगा। तुम क्या बात कर रही हो? अगर वो मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं उसे कन्विंस कैसे कर पाऊंगी? वो मेरे कॉल से नहीं उठा रहा है। ओके, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। तुम एक सन की गर्भवती महिला का किरदार कुछ ज्यादा ही अच्छे से निभा रही हो। नंबर भेजो उसका, मैं कुछ ऐसी बहकी बातें करूंगी कि वो डर के तुम्हारे पास भागा भागा चलाएगा। तुम मेरा प्लान समझ गई ना? जब मैं उनके साथ थी ना, तब मुझे पता चला कि असली फैमिली का मतलब क्या होता है। जब आप पूरी दुनिया का सामना अपने परिवार के साथ मिलकर करते हैं तो कैसा लगता है? जो आपसे प्यार करते हैं आप उनसे घिरे होते हैं। रो मत, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो, मैं साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, भरोसा करो। I'm sorry, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। हाँ ठीक है। हेलो डीमा, अब इतना लेट कॉल करने के लिए आई एम सॉरी। मैं लुईडा हूँ, इनिसा की फ्रेंड। वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे क्या हुआ? उसे पीठ दर्द था, उसे क्रैम्प्स आ रहे थे। मैंने कहा एम्बुलेंस को बुलाओ, उन्होंने आके उसे इंजेक्शन दे दिया है। क्या वो उसे हॉस्पिटल ले गए? यही तो बात है, उसने जाने से मना कर दिया। इंजेक्शन लगने के बाद उसे बेहतर लगने लगा था, पर मुझे उसकी हेल्थ की चिंता हो रही है और उसके बच्चे की भी हो रही है। आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं ना डॉक्टर? मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट पे हूँ, फिलहाल मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। पर मुझे लगता है कि आपको उसे देखने जाना चाहिए। थैंक यू। एक प्रॉब्लम आ गई है। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारी फोन की वॉल्यूम लाउड थी, तुम्हें जाना चाहिए। हेलो इनेसा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो डीमा, तुम्हें टेंशन हो गई थी मेरी तबीयत के बारे में सुनकर। लुसिया ने कॉल किया था, अब तुम कैसी हो? अभी ठीक हूँ, शायद मैं बच्चे के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान थी। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने बेड रेस्ट करने को कहा है क्योंकि एक और स्पैज़म आ सकता है। हाँ तो फिर आराम करो। ओके ओके, मुझे बस एक कप कैमोमाइल टी बनानी है जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। मैं बना देता हूँ, तुम बैठो। थैंक यू डीमा। तुम मेरे साथ रहोगे ना डीमा? ऑफ कोर्स मैं रहूँगा। कल सुबह लुसिया जब ड्यूटी पर होगी तब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हमें ये कन्फर्म करना होगा कि बच्चा ठीक है। नो सोशल मीडिया, आराम करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या फिर से क्रैम्प्स आए क्या? हाय लुसिया। नहीं, आज ये पहले से बेहतर है।
पर इसका अल्ट्रासाउंड करवाना है जिससे पता चले कि बच्चा ठीक है। अब मेरा जेल खत्म हो गया है, आप प्लीज दोपहर में आ सकते हैं क्या? तब तक मैं ये जेल मंगवा के रखूंगी। ओके। नहीं रुको, हम दोपहर तक नहीं रुकेंगे। ओ। बैठो, मैं फार्मेसी जाकर ये जेल लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? तो मैं क्या करती? उसने कहा अल्ट्रासाउंड करवाना है, अगर मना करती तो उसे शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आर्काइव्स में कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। शिट, यहाँ पे कोई भी तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रहा। अरे यार जल्दी से निकालो ना। मत, काम कर रही हूँ ना मैं। मैं भी रात भर परेशान रही हूँ। ये तुम्हारा आइडिया था कि मैं उसे कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। क्या लाजवाब स्टोरी है। डीमा सुनो। मैंने सब सुन लिया। ये लो, शायद किसी अच्छे इंसान को इसकी जरूरत हो। रुको, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम कहाँ जा रही हो? हेलो डीमा। हे बड़ी ज़िनिया। हेलो, क्या ओलेग घर आ गया है? नहीं, वो नहीं आया है। उसने मुझे कॉटेज का ध्यान रखने के लिए चाबी दी थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। ओह अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ अनजान लोगों को देखा तो सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा, चलता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय। कैसी हो तुम? वासिलिस और मैं यहाँ से जा रहे हैं। क्यों, अब क्या हो गया? मुझे पता है कि पेरेंट्स के बिना जीना कितना मुश्किल होता है। रुक जाओ लीजा। दिमित्री प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सोच रही थी कि अगर तुमने इनेसा को छोड़ दिया और उसने वही किया जो मेरी माँ ने किया था, उसने बच्चे को छोड़ दिया तो? इनेसा प्रेग्नेंट नहीं है, वो मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या मतलब? वो तुमसे इतना प्यार करती है कि ऐसा झूठ तक बोल दिया? तुम बहुत ही रोमांटिक इंसान हो, और इनेसा एक घमंडी औरत है। मैंने एक दिन की छुट्टी ली है, आज मैं नहीं आऊंगा। मैं यूजुअली अपने डे ऑफ में केक्स बनाती हूँ। मेरे ख्याल से किचन में आटा तो होगा। प्लीज बात मानिए, लीजा के बारे में डॉक्टर दिमित्री से ज्यादा कोई नहीं बता सकता आपको। एक बात बताओ, हम इस दिमित्री को कहाँ मिल सकते हैं अगर वो घर या काम पर नहीं है तो, और वो फोन भी नहीं उठा रहा है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या दिमित्री स्मार्टफोन यूज करते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लोग उसकी लेटेस्ट लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं क्या? हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। दिमित्री, मैं केक नहीं बना पा रही हूँ, वो आटा पुराना है और स्मेल आ रही है। अच्छा आटा पुराना है, मैं नया लेकर आता हूँ। थैंक यू मेजर।
मुझे अच्छे से पता है शुक्रिया अदा कैसे करता है। ओके बाय, मैं इंतजार करूंगा। कुछ तो हमें फाइनली वो लड़की मिल गई है, तो मैं उसका जियो लोकेशन भेजता हूँ, उसे यहाँ लेकर आओ। और हाँ, अपने साथ बॉक्सर को भी लेके जाओ जल्दी। लीजा, आंद्रे आप यहाँ पर? आपने कैसे ढूंढा हमें? वॉस एलिसा, हेलो हेलो। यहाँ पे नजदीकी शॉप कहाँ पर है? लोकल वाला तो बंद है। हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर शहर की तरफ है। थैंक यू। वासिलिसा, शायद तुम्हारे रैबिट को भी ऑरेंज चाहिए। पुलिस तुम्हारे पिता के मर्डर में तुम्हें सस्पेक्ट मानती है। जानती हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मैंने ऐसा नहीं किया है। अच्छा, ये बताओ कि टिकट्स किसने कैंसिल किए थे? पापा ने। वासिलिसा की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। पता चला कि उसे निमोनिया है, इसलिए हम घर पर ही रुक गए। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ। हेलो, मैं हूँ डिटेक्टिव वाल्को। तो तुम भी यहाँ? लीजा कलिनिना, हम आपको विक्टर और मार्गरीटा का घर लूटने और उनका मर्डर करने के आरोप में अरेस्ट करते हैं। सामान पैक कीजिए। वेट, मैं लीजा कलिनिना को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं उसके अरेस्ट का विरोध करता हूँ। ओह अच्छा, तो पुलिस स्टेशन आ जाओ, रिटर्न फॉर्म देकर जितना विरोध करना चाहते हो उतना कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो तुम तैयार रहना। वासिलिसा, तुम्हें अंकल आंद्रे के साथ जाना होगा, ठीक है? वो जल्दी लेने आएंगे, ठीक है? तुम समझ रही हो? रोते नहीं है बेटा। बेटा, तुम्हारी मॉम जल्दी आ जाएगी, हम आंटी लेना से मिलने चलते हैं, तुम्हें याद है? मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, फिर पुलिस स्टेशन तुमसे मिलने आता हूँ। देखो, किसी को कुछ बताना मत और किसी भी पेपर पे साइन मत करना। लेना से मिलने जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें खिलौने पसंद है ना? चलो बेटा खेलेंगे। हेलो ब्रोनिस्लाव, पुलिस हमसे पहले यहाँ पहुंच गई। अच्छा, वापस आ जाओ। हेलो मिस्टर ब्रोनिस्लाव, बैठो यहाँ। कलिनिना को अरेस्ट कर लिया गया है, उसकी बेटी उसके लॉयर के साथ है। क्या नाम है उसका? कुज़ोवलेव। हाँ वही। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम ही एविडेंस प्लांट कर देंगे कि तुम्हारी भतीजी दोषी है, फिर वो अपने हाथों से जायदाद खो बैठेगी। आखिर हम लोग ये कैसे कर सकते हैं अगर वो समारा में है तो? प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो उसे यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि ये प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बाकी मैं देख लूंगा। पर तुम्हें ये समझना होगा कि जोखिम बढ़ रहा है। जीनिया, हेलो। हेलो डीमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर को गार्ड कर रहा था, दरवाजा खुला हुआ था। लीजा और वासिलिसा कहाँ गए? बच्ची को लॉयर कुज़ोवलेव साथ ले गए हैं और उसकी माँ को अरेस्ट करके सारा तोप ले जा रहे हैं। अरेस्ट किया है, लेकिन क्यों? उसका नाम कलिनिना है, सही कहा ना? हाँ। उस पर मर्डर और रॉबरी का चार्ज लगा है। बकवास है ये, उसे किसने अरेस्ट किया? नाम था डिटेक्टिव वाल्को, वो वहीं के पुलिस डिपार्टमेंट से है। डोर्स लॉक कर दो, मैं बाद में मिलता हूँ। उनकी बातों से ऐसा लगा जैसे पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। फिर वो मेरे पापा और रीटा को ऊपर ले गए, वो दोनों उस समय तक मर चुके थे। मैं चाह के भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई, कुछ नहीं। आपको मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है।
क्या विताली के बारे में यकीन से कह सकती हो कि वो वही था? हाँ वही था, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा और सुना भी था। क्या आप डिटेक्टिव वाल्को हैं? जी हाँ। अच्छा वो आप मिल गए, मैं डॉक्टर दिमित्री कोलेसनिकोव। आपने लीजा को क्यों अरेस्ट किया है? वो मेरी पेशेंट है और उसे एक सीरियस ब्रेन इंजरी हुई थी। क्या आपको पता है उसके अरेस्ट की वजह से डॉक्टर के एफर्ट्स पर पानी फिर सकता है? अभी तो सिर्फ लीजा को डिटेन किया गया है क्योंकि उन पर मिस्टर एंड मिसेज लोजोवस्की का मर्डर करने का आरोप है। मेरे ख्याल से ये आपने देखा होगा। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब, विश्वास कीजिए। आपने लीजा को देखा है? क्या वो किसी को मार सकती है? पता है लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे सामने दिखते हैं। फैक्ट्स तो यही कह रहे हैं, देखो। कैसे फैक्ट्स, आप क्या बात कर रहे हैं? वो अचानक से लोजोवस्की के घर आती है, फिर अचानक से वो गायब भी हो जाती है, उन दोनों की हत्या करने और घर को आग लगाने के बाद। बहुत बड़ी रकम और फैमिली ज्वेलरी भी घर से मिसिंग है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बताइए। पर उन दोनों का कार एक्सीडेंट हुआ था और उनका बचना एक मिरेकल है, और उसके पास कोई भी पैसा या ज्वेलरी नहीं है। सच में जहाँ तक मुझे इस बारे में पता है, एक्सीडेंट के समय वो कार में अकेली नहीं थी, वो एक आदमी के साथ थी। शायद वो उसका साथी था पर वो मर चुका है, और यही है मेरा एविडेंस। पर ये एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हाँ अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन क्लियर मोटिव ज़रूर है। अगर उसके पिता और सौतेली माँ की मौत होती है तो वो पूरी प्रॉपर्टी की अकेली वारिस बन जाएगी। पर इससे उनका जुर्म साबित नहीं होता। बैठिए प्लीज बैठिए, शायद आप मुझे बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए, उसने होश में आने के बाद पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? उसने अपने फादर को कॉल क्यों नहीं किया, बता सकते हो मुझे? उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक एम्नीशिया हुआ था। सच में? हाँ। तुम यकीन से कह सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि वो नाटक कर रही है? I'm sorry, मुझे ठीक है, आप जा सकते हैं। दिमित्री, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। इसमें अच्छा क्या है? क्यों, जब कोई मेरा इस्तेमाल करता तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जानते हो लीजा को याददाश्त खोने का नाटक करना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वसीलिसा और उसकी जान को खतरा था। इसलिए उसने झूठ बोला? मतलब डिटेक्टिव वाल्को का फॉल्स एम्निशिया के बारे में कहना सही है, फिर तो उनकी बाकी की बातें भी सही होंगी। तुम्हारा मतलब मर्डर से है तो वो गलत है। आप जिस इंसान की केयर करते हैं उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो आपको मैनिपुलेट करे। मेरी बात सुनो, मुझे लीजा के सिचुएशन के बारे में बताने दो। ये सब कभी और बताना, मुझे जाना है, मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। मेरी बात सुनने का वक्त हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। हेलो मैम। हेलो जी, किससे मिलना है? एक्चुअली मैं यहाँ अपनी बेटी वासिलिसा को लेने आया हूँ। कोई बात है तो आप लीजा के लॉयर आंद्रे कुजोवलेव को कॉल कर सकते हैं, और उम्मीद है आप उनसे मिल चुके हैं। मैं उसका डैड पावेल कालिनिना हूँ। ये देखिए, इस पासपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊँ। आपको जहाँ जाना है जाओ, पर वासिलिसा कहीं नहीं जाएगी, वो अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन पर ही यहाँ पर रह रही है। पहाड़ में जाए उसके इंस्ट्रक्शन, एक मर्डरर को अपने बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होता है। लीजा का अपराध प्रूव नहीं हुआ है, उसके लॉयर को कॉल करो और पूछो, और मुझे माफ करो। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपने यहाँ पे किसी छोटे से डॉगी को देखा है? वो पता नहीं, मिल नहीं रहा है। वासिलिसा बेटा ध्यान से। चार्ली। हेलो मैम, आपने किसी स्मॉल रेड फ्लफी डॉग को यहाँ पे घूमते हुए देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया। चार्ली।
वो क्या है ना, वो असली ब्रीड नहीं है, पर हमारी फैमिली उसे बेहद प्यार करती है। मेरी बेटी को वो सड़क पर मिला था, वो भूखा था और ठंड से कांप रहा था। मेरी वाइफ और मैं उसे पहले नहीं रखना चाहते थे। यहां पापा के पास, पर उसने हमसे बहुत जिद की। मामा घर पर वेट करिए, चलो आ जाओ। पर अब हम चार्ली के बिना जीना सोच भी नहीं सकते। एक मिनट वासिलिसा, चार्ली, वासिलिसा तुम कहां हो? अरे नहीं वासिलिसा, एक्सक्यूज मी, आपने किसी छोटी बच्ची को देखा क्या? हमें नहीं पता, किसी और से पूछिए। बाहर निकलो। अब तुम यहां से अपने घर जाओ और किसी से भूल के भी कांटेक्ट मत करना। एक मिनट रुकिए, बेटी को जिंदा चाहते हो तो जो कहा गया है करो। आंद्रे, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने पावेल को यहाँ से तेजी से कार ले जाते हुए देखा, कहीं वो साथ न ले गया हो। आंद्रे प्लीज पुलिस को कॉल करो। पुलिस क्या करेगी लेना? वो उसका पिता है, उसके पास लीगल राइट्स। तुम चिंता मत करो, मैं उसके नाकारा बाप से मिलता हूँ और पता करता हूँ कि उसने अपनी बेटी को अगवा क्यों किया, फिर कॉल करता हूँ। हेलो दिमित्री। हेलो सर। हमने तुम्हारी पेशेंट कलिनीना के साथ अच्छे रिजल्ट अचीव किए हैं। मुझे बताया गया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। यह तुम्हारी थीसिस का एक वंडरफुल चैप्टर होगा। मेरी बात सुन रहे हो ना दिमित्री? हाँ सुन रहा हूँ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या दिमित्री? ठीक है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मुझसे मिल लेना। पावेल, वासिलिसा, पावेल, वासिलिसा, वासिलिसा कहाँ है? तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? वो मेरी बेटी को ले गए, मेरी बेटी को ले गए कमीने। बोलो। मिस्टर लॉयर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी क्लाइंट ने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने का फैसला किया है। दो घंटे पहले उसने अपने पिता और अपनी सौतेली माँ की हत्या का आरोप जो उस पर लगा है वो उसने कबूल कर लिया है, और उसने ये भी कबूल कर लिया है कि उसने सारा सामान और ज्वेलरी भी चुराई। उसके बाद उसने पूरा घर चला लिया। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊँगा और जाकर उसे पूछूंगा कि तुमने उसे बदनाम करने के लिए आखिर राजी कैसे किया। और आरोपी ने हमें यह भी बताया है कि उसने लुजोव्स्की के घर से चुराई ज्वेलरी का एक हिस्सा कहाँ छुपा के रखा हुआ था। उसने जहाँ बताया ज्वेलरी वहीं मिली। मैं अगले 20 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुँच रहा हूँ। आओ, बिल्कुल आओ। पर मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि तुम वीजा से बिल्कुल नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने किसी भी विजिटर से मिलने के लिए मना कर दिया है, जिसमें आप भी शामिल हैं। तुम्हें समझना होगा कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, और ये काम उसके पिता पावेल कालिनिना ने ही किया है। लेकिन अभी वो बच्ची उसके घर पर भी नहीं है। पावेल ने इतना ड्रिंक किया हुआ है कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसी वजह से लीजा ने गिल्टी प्लीट किया है। मुझे पता है उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो बच्ची मिसिंग है तो कलिनिन्स जहाँ रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के पास जाकर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है? बोलो मिस्टर कोज़ोवनेव। हेलो। हेलो, मैं दिमित्री बोल रहा हूँ। प्लीज क्या आप मुझे लीजा से जल्द मिलवा सकते हैं? नहीं दिमित्री, मुझे डर है कि तुमने बहुत देर कर दी है। क्या मतलब है आपका? लीजा ठीक तो है ना? उसने गिल्टी प्लीट की है और वो किसी से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती है। लेकिन क्यों? मुझे लगता है क्योंकि उसकी बेटी को किडनैप किया गया है। लेकिन वो तो आपके साथ थी ना? उसका पिता पावेल उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन अब वो उसके साथ भी नहीं है।
पावेल ने इस वक्त इतनी ज्यादा पी रखी है कि वो बोल भी नहीं सकता। क्या मुझे वहां का एड्रेस भेजेंगे? मैं खुद आता हूँ। ठीक है। ओके, ये है पानी और ये है बनानास। ओ रुको बेटा, बहुत तेज हो रही है। आ, तुम्हें अंदर ही रहना है। अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यहीं रहो। कल लीजा ने तो ये कहा था कि विताली का इस मर्डर से कनेक्शन है, लेकिन लेकिन आज वो क्या लीजा ने कहा ये सब विताली ने किया है? उसने विताली को क्राइम सीन पर देखा था। मतलब वासिलिसा के किडनैप होने के बाद लीजा ने गिल्टी प्लीट किया? उसके किडनैप होने के 2 घंटे पहले। हाँ, आपको पता चलने के पहले पता चला? आपके परमिशन के बिना किसी ने उससे बात की, क्या ये पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये करवाना मुश्किल नहीं है। मेरी बेटी को विताली लोजोवस्की ने किडनैप किया, उसे बचा लो। मेरी बेटी वासिलिसा को बचा लो। क्या तुम चल पाओगे? अरे चल लूंगा। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। आपको विताली का एड्रेस पता है? चलो 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 चलो। अंदर आ जाओ। वासिलिसा कैसी है? तुम बात करने के लिए राजी हो, इसके लिए थैंक यू। वासिलिसा कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में बात करेंगे। वो इस समय गायब है। कैसे? पर उन्होंने प्रॉमिस किया था। किसने प्रॉमिस किया था और क्या? लीजा, उन्होंने तुमसे झूठा कन्फेशन लिखवाया है? तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए किया है? तुम्हारा हस्बैंड वासिलिसा को झूठ बोलकर अपने साथ ले गया और उसके कुछ समय बाद उसका किडनैप कर लिया गया, और पावेल को यकीन है कि यह सब विताली ने ही किया है। इस वक्त पावेल अपनी गवाही दे रहा है। लीजा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। ये बात कहने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तुमने उन बदमाशों को देखा था और तुम जानती हो कि वो क्या कर सकते हैं। जानती हूं, उनके आदमी पुलिस में भी हैं। लेकिन सब उनके साथ नहीं है। सुबह सुबह यहाँ के गार्ड ने मुझे एक नोट दिया था। उन्होंने डिमांड की कि मैं गिल्टी प्लीड कर लूं और डिटेक्टिव को लोजोवस्की के घर से चुराई ज्वेलरी का लोकेशन बताऊं। उस जगह के बारे में नोट में ही लिखा था। उन्होंने ये सब कोर्ट में कंफर्म करने का डिमांड किया, नहीं तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा होगा। फिर उस गार्ड ने वो नोट वापस लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। मेरी मदद कीजिए। बोलो। विधाली अभी एक नाइट क्लब में घुसा जिसका नाम पैराडाइज है। मैं उसका यहीं वेट करता हूँ। पैराडाइज? वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कैसीनो है, उस क्लब को चलाता है ब्रोनिस्ला अर्काइडेविच स्पिटसेन, और वो हमारे शहर का सबसे कमीना बिजनेसमैन है। आंद्रे व्लादिमिरोविच, ये वही है। कौन? वो आदमी जिससे विताली ने उस रात बात की थी जब मेरे पापा और रीटा की हत्या हुई थी। ब्रोनिस्लाव आर्कादियेविच ने विताली को घर में आग लगाने के लिए कहा था। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। मुझे उसका नाम याद है क्योंकि ये अनकॉमन है। क्या तुमने सुना दिमित्री? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वासिलिसा को उन्होंने क्लब में ही रखा होगा। तो अब लीजा डिटेक्टिव वाल्को को सब बताने जा रही है। मुझे उम्मीद है वो जल्द ही एक्शन लेंगे। तुम वहां से जल्दी निकलो। ओके, मैं अभी निकलता हूँ। मुझे फोन देंगे? हेलो दिमित्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज अपना ख्याल रखना।
हमें तुम्हारी जरूरत है। वासिलिसा और मुझे भी। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो बहुत ही जल्द सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर ब्रोनिस्लाव, क्या आप उस लड़की को ट्रायल से पहले यहाँ रखने वाले हैं? वाह, नहीं 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 नहीं, ऑफ कोर्स मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। हमें उसकी क्या जरूरत है? वो एक बच्ची है और वो बोल भी नहीं सकती। बुरा लगता है। उसे उसके फादर के पास भेज दें। हाँ सही कहा। सानिया, कार्ड्स बांटो। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि उसकी माँ के जेल जाने के बाद बच्ची पूरी जायदाद की वारिस बन जाएगी? हाँ मेजर, मैं सुन रहा हूँ। क्या? बड़ी बुरी खबर है। मुझे आगाह करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा। ओके, इस बच्ची को जल्दी से यहाँ से ले जाओ। कुछ है तो तुम्हें सब बता देगा। बॉक्सर, कुछ हुआ है क्या? हाँ कुछ हो गया है। पुलिस को यहाँ की तलाशी का वारंट मिल गया है। किसी ने हमारे बारे में बता दिया है। यहाँ सब साफ करो। सानिया, सब ले जाओ यहाँ से। आओ चलो चलो। हेलो वासिलिसा, मॉम के पास जाना है? चलो आजा, आजा चलते हैं। चलो। को ले जा रही है एक ब्लैक BMW में। नंबर है A748AM। मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मेरे कार में एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस है, आप उससे मेरे रूट को फॉलो कर सकते हैं। क्या बेतुकी बात है? तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मैंने कुछ कॉल्स कर दिए तो तुम लोग बहुत पछताओगे। आप जिसे चाहे कॉल कर सकते हैं, पर जब तक मैं इंचार्ज हूँ आपको डिटेन किया जाता है। मिस्टर ब्रोनिस्लाव, एक इलीगल कैसीनो चलाने के चार्जेस पर, और वैसे भी आप लोजोव्स्की कपल की हत्या और उनके घर में हुई रॉबरी में साथी होने के साथ साथ एक बच्ची की किडनैपिंग में भी सस्पेक्टेड है, तो क्या अब हम अपनी जांच कर लें? मुझे पता नहीं था कि आजकल पुलिस में जोकर को भी जॉब मिल जाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि नाइट क्लब्स के ओनर्स डॉल से खेला करते हैं। ये कहाँ मिली? अलमारी में। जरा दिखाओ मुझे। आप भी चलिए। हाँ तो फाइनली विताली लोजोवस्की कलिनिना की बेटी को खदान ले जा रहा है। मैंने तुम्हें दिमित्री के GPS का लोकेशन भी भेजा था, वो उनका पीछा कर रहा है। क्या बकवास है? अभी वहां से पीछे हटने को कहो। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे रास्ते में आए। मैं कैसोल टीम भेज रहा हूं। हाँ, वो पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? उम्मीद करता हूं कि वासिलिसा ठीक हो। लीजा तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। अगर वो तुम्हें कभी कभी अपनी बेटी से मिलने का मौका देती है तो खुद को लकी समझना।
जल्दी जल्दी आओ, चलो चलो। सच में विश की थी जो मैंने विश मांगी थी वो सच हो गई।